तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपका नेटवर्किंग प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो आपका नेटवर्क कभी स्लो हो जाता है तो कभी चलता ही नहीं है ना, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो पूरा अच्छा हमको सिखा रहा है, जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ और आपको बताऊँगा कि अपना नेटवर्क कैसे मतलब सही करें। तो चलिए बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सेटिंग में जाना है। तो कभी कभी होता है ना कि चलाते चलाते रोज़ डेली आप एक ही जगह पे चला रहे हैं, लेकिन अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाए अचानक, तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना सेटिंग ओपन करना है। और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सिम कार्ड मोबाइल डाटा में चले जाना है। हर मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन होता है, तो सिंपली आपको किसी में कॉल करके ऑप्शन होता है, तो आपको इसमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जिस सिम से मतलब आप अपना डाटा चलाते हैं, यूज करते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं अपना पहले नंबर से चलाता हूँ, तो ये सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपके इधर नीचे देखिए लिखा रहेगा, हर मोबाइल में रहता है एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस पॉइंट नेम करके आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए खुल गया है। तो इस पर अभी आपको क्या करना है कि आपका नेटवर्किंग जो प्रॉब्लम है ना वो सही हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे क्लिक करना है। और डॉट पे क्लिक करने के बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट, आपको सिंपली क्या करना है, रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक कर देना है। और फिर से रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करना है। और देखिए रीस्टोर हो गया है, डिफ़ॉल्ट एपीएन सेटिंग रीस्टोर, दो तीन बार कर लेना है आपको। और दो तीन बार करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो नेट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगा, जो आपका नेट है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। आप लोग एक बार ज़रूर करके देखिएगा। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए अभी ये बराबर काम करेगा। किसी भी मोबाइल में ये कर सकते हैं, अगर नेटवर्किंग प्रॉब्लम है तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, तो इसको ज़रूर कर लीजिए। देख लीजिए अगर आपका नेटवर्किंग प्रॉब्लम है तो सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अभी तक आप लोग मेरा वीडियो देख, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।